सारे जहां से अच्छा हमारा सारे जहां से अच्छा इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुल आज के प्रोग्राम के बारे में ये आज स्कूल ने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था आज़ादी का अमृत महोत्सव। जैसे कि ये इंडिपेंडेंस डे, इट इज़ आवर 75th इंडिपेंडेंस डे। आज से 75 साल पहले जो एंसेस्टर्स ने कुर्बानी दी थी और जो वतन आज़ाद करवाने की जदोजहद में जितनी भी कोशिश उन्होंने की थी, जितनी भी उनके मुश्किलात आई थी, उन्हें रिकॉल किया जाए ताकि बच्चों के अंदर जेस्ट एंड ज़ील पैदा हो टुवर्ड्स हिज नेशन। उनका नेशन ने कितनी कुर्बानी दी तब जाके आज़ाद हुआ, और ये आज से 75 साल पहले जितनी भी इनिशिएटिव ली और उसको इंडिया के साथ कंपेयर करने कहाँ से कहाँ पे आ गया है, और आने वाले ही 25 सालों में इंशाल्लाह ये टॉप के नेशंस में होगा। थैंक यू। आपका नाम? अबू बकर जावेद। तो आज जो है मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे स्कूल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ हुआ था जिसके तहत हमने आज़ादी का महोत्सव 75 इंडिपेंडेंस डे पे जो है आज हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाया था, जिसमें अंदर हर घर तिरंगा जो स्कीम है उसको हमने आज लॉन्च करवाया था। मतलब हर एक स्टूडेंट को हमने फ्लैग दिया ताकि उनके अंदर एक जो है फीलिंग ऑफ वननेस जो है यहाँ पर क्रिएट हो सके। हर एक बच्चे को फ्लैग देने का मकसद यही है ताकि वो अपनी इस फ्लैग की इज़्ज़त कर सके, और आगे जितने भी हम यहाँ पे हम बात करते हैं ताकि वो डिफरेंट लोकेशन पे, हमारे हॉटस्पॉट लोकेशन में जो है फ्लैग्स लगाए जाएँ ताकि हर एक बच्चे के अंदर ये स्पिरिट हो कि हाँ, हम इंडियंस थे, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियाँ थी और आगे हमने भी कुर्बानियाँ देनी है इस देश के लिए। इसी स्पिरिट को हमने आगे जारी रखते हुए हमने यही कोशिश करनी है कि हर हमारा बच्चा उसको इतना पता हो हम इंडियंस हैं। और जैसे कि हम देखते हैं यूक्रेन और रशिया के वॉर में भी इंडियन फ्लैग ने हमारा वो साथ दिया, जहाँ पर हमारे इंडियन जो कि बाहर अपना मास्टर्स करने गए थे, डॉक्टर के MBBS वगैरह करने गए थे, वहाँ पे भी इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा आया था यूक्रेन में। उसके बाद हमारे जो फ्लैग्स हैं वो कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वो पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, जो हमारा यहाँ पे कुर्बानियाँ, सेक्रीफाइसेस हैं। उसके बाद हमारे 24 और जो स्पोक्स हैं वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के तहत हम चाहते हैं कि हर एक हमारा जो देशवासी है वो इस फ्लैग की इज़्ज़त करे ताकि हम आगे वाले टाइम में अपने देश को एक टॉप लेवल पर ले जा सकें। इसी के साथ मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और LG मनोज सिन्हा सर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने J&K में भी स्कीम को इम्प्लीमेंट किया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। My name is Tuba. I'm student of Jamia Azharul Uloom. I want to thank to our Honorable Prime Minister because of this campaign, Har Ghar Tiranga campaign. I want to say that everyone to request that hoist these flags, our national flag, on their homes to show that we all are brothers and sisters. We are one from one family, and we all are member of it. Thank you so much. हाँ सर, आपका नाम? जी, वाहिद अहमद बांडे, प्रिंसिपल जामिया अज़हरुल उलूम, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट पुंछ। आज जो एक इवेंट हुआ है हमारे स्कूल में, इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक कम्पेन चलाई है कि हर घर तिरंगा, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जो कम्पेन चली है, उसी में हमने ये महसूस किया कि हमारे जो बच्चे हैं उनको इस बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, जबकि हम पहले से ही उनको ये चीज़ें बताते रहते हैं। लेकिन इस मरतबा जो एक यूनिक किस्म की कम्पेन चली है, इसमें मैं ज़ाती तौर से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस तरह के जो इवेंट करवाने के बाद मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के अंदर बड़ा उत्साह है, बच्चों के अंदर बड़ा जोश है और बच्चे बड़े खुशी के साथ इस तिरंगे को ले जा रहे हैं। और हमने उनको बताया कि आप इसको कब कैसे अपने छतों पर इसको लहराएंगे, ताकि जब हमारा 15 अगस्त 1947 को जो मुल्क आज़ाद हुआ, उसके बाद जो 75वां हम ये इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं, उस दिन पूरे देश में, पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे ज़िला में और हमारे पुंछ में भी ये हर घर तिरंगा लहराए, उसी का ये एक मैं समझता हूँ कि इवेंट था। और हमने बच्चों को इस बारे में बताया भी है और उसी पर हमने बच्चों को आज ये फ्लैग डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम की कवरेज के लिए यहाँ आए। थैंक यू।